मंडी शहर के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग ने फंदा लगाकर जान दे दी। नाबालिग छात्रा 10वीं कक्षा की छात्रा बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ये मामला आत्महत्या का पाया गया है। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। मंडी शहर के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग ने फंदा लगाकर जान दे दी। नाबालिग छात्रा 10वीं कक्षा की छात्रा बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ये मामला आत्महत्या का पाया गया है। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारण अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं। पुलिस के अनुसार उक्त नाबालिग ने कमरे में पंखे की कुंडी से फंदा लगाकर जान दे दी है। काफी समय तक कमरे से बाहर न निकलने पर परिजनों ने चेक किया तो उसे फंदे से लटका पाया। लड़की के जिंदा होने की उम्मीद पर परिजन उसे जोनल अस्पताल मंडी ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पुष्टि डीएसपी करण गुलेरिया ने की। उन्होंने बताया कि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जाँच कर रही है। कल यानी कि 31/7/2019 को हमारा जो सदर का एक पास का ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से हमें एक हैंगिंग की सूचना मिली थी। तो उस केस में जो मृतिका थी, इसकी उम्र जो 14 वर्ष के करीब करीब है, और इसको जब इन पेरेंट्स ने देखा कि ये कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रही है, तो अंदर उन्होंने देखा कि जो मृतिका थी वो उसने खुद को हैंगिंग की हुई थी, और उन्होंने उसको उतार के वो हॉस्पिटल लेकर गए थे। हमारी पुलिस मौका हॉस्पिटल पर गई और वहाँ पर उसको डॉक्टर ने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया था। फिलहाल इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस में जो हमने 174 की सीआरपीसी की हमने कार्रवाई की है, और हैंगिंग का केस ही इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। बाकी हमने बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया है और जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।